तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हुए हैं लेकिन जब आँख खुली हो तो देखा साला हम तो शशि कपूर हैं बच्चन तो कोई और है मेरा ये है कि लाइक फिल्म करो और छुप जाओ कहीं जाके। कर लेकिन प्रमोशन बहुत ज़रूरी हो गया अभी ये सब फिल्मों का कि जा जा के बताओ अपनी फिल्म के बारे में ये वो सब थोड़ा वो थोड़ा सा लेकिन करना पड़ता है क्या करें ट्रेंड ही ऐसा चल पड़ा अभी अपने बारे में बताना अपनी फ़िल्म के बारे में बताना कि देखो हमारी फिल्म देखने हो हमारी फ़िल्म बहुत अच्छी है सबसे अच्छी है ये कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है थोड़ा मैं बहुत एक्साइटेड था उनके साथ काम करने के लिए बहुत पहले से फाइनली एक बहुत अच्छी खूबसूरत स्क्रिप्ट मिली है राहुल ढोलकिया जो डायरेक्टर हैं और प्रेस्टिजियस प्रोडक्शन है हाँ एक्सेल वो लोग इसको फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ किरदार बहुत अच्छा है कॉप का रोल कर रहा हूँ मैं उसमें और शाहरुख साहब जो है उसमें गैंगस्टर का रोल कर रहे हैं तो बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है किसने बताया जर्नलिस्ट का रोल कर रहा हूँ नहीं नहीं अभी मैं इसके बारे में बता नहीं सकता कि मैं क्या किरदार कर रहा हूँ वॉचमैन तो था मैं जब जब मैं एन uh, से पहले थिएटर ग्रुप था हमारा एक दिल्ली में तो थिएटर में पैसा वैसा तो मिलता नहीं है तो साथ में कोई साइड जॉब ज़रूर करना होता है ताकि पैसा वैसा कमा सकें और फिर अपना अपनी मर्ज़ी का काम भी कर सकें थिएटर में तो उसलिए तब किया था मैंने नहीं मेरे एक सीनियर थे और उन्होंने मुझे कहा कि हम हाँ कि मैं जिन लोगों के साथ रह रहा था इतना ही बड़ा रूम था तो उसमें पाँच छः एक्टर रहते थे हम लोग तो अब चूँ ढाई सौ रुपये किराया होता था बारह सौ बारह सौ के आसपास रूम का किराया था टोटल तो हर एक्टर के ज़िम्मे था ढाई सौ रुपये दो सौ दो सौ ढाई सौ रुपये तो ढाई सौ रुपये महीना भी नहीं कमाए जा जा रहे थे तो मैं दे नहीं पाया पाँच छः महीने के जो किराए मैं दे नहीं पाया तो फिर मेरे जो जो मेन बंदा था अपने उसने बोल दिया कि यार तुम कोई दूसरा रूम देख लो तो <coughs> फिर मैंने अपने एक सीनियर को बोला कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ क्या रूम आप तो अकेले रहते हो तो उसने बोला कि हाँ रह सकता है लेकिन खाना बनाना पड़ेगा तो उन्हें हाँ बना लूँगा क्यों नहीं तो फिर मैंने मैं रहने लगा और साथ साथ में खाना भी बनाता था उनका दोपहर का शाम का तो फिर मुझे पाँच छः महीने के बाद रियलाइज़ हुआ यार मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए आया हूँ क्या मेरा स्ट्रगल टाइम कहाँ गया जिसमें मुझे स्ट्रगल करना था वो और वो भी पाँच छः महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मुझे ऑफिस में जाके मिलना चाहिए लोगों से अपने बारे में बताना चाहिए बायोडाटा और ये रेज्यूम देना एक वो था तब कोई दिखा दे तब तो मेल वेल तो था नहीं कुछ तब रियलाइज़ हुआ और मैंने बोला कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं भी एक्टर बनने के लिए आया हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए थोड़ा ना आया हूँ तो उसने बोला ठीक है अपना एक्टर बनने आया तो फिर ठीक है अपना बैग वैग लेके अपना निकल जाए एक्टर बनने के जहाँ जाना तो फिर मैं निकल गया अरे ये किसने बता दिया आपको वही स्ट्रगल के टाइम पे था एक, एक बार क्या वो मेरा एक दोस्त था तो मेरे एक दोस्त ने बोला 2003 के आसपास की बात ही है ये तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि नवाज़ भाई 50 का 500 करना है क्या मैंने हाँ करना है क्योंकि पचास पचास इसके पास सौ रुपए हैं इसी के पास किसी पास दो सौ किसी के पास पचास ऐसे रहते थे एक्टर्स के पास पैसे तो किसी ने बताया कि पचास का पाँच सौ करना है मैंने हाँ करना है तो चलो मैंने कहा दादर तो ट्रेन में बैठे मीरा रोड से और सीधा दादर पहुंच गए सब्ज़ी मंडी में स्टेशन के पास में सब्ज़ी मंडी है वहाँ तो वहाँ उसने धनिया लिया सौ रुपये का पचास अपने डाले पचास मेरे डाले और सौ रुपये का धनिया ले कर बैठ के, के वहाँ पर आवाज़ बोली लगाने लगा कि पाँच की गड्डी पाँच की गड्डी दस की गड्डी ऐसे ऐसी उसने अच्छा मैं दूर से मैं मैं नहीं बेच रहा था एक्चुअली मैं दूर से देख रहा था उसको मैं पिलर के पास खड़ा हुआ था तो थोड़े एक घंटे के बाद क्या हुआ जो धनिया था सारा पीला पड़ गया और दो घंटे के बाद काला हो गया <laughs> तो बिका ही नहीं वो धनिया तो फिर हमने उससे पूछा जिससे थोक थोक में लिया था ना हमने धनिया तो उससे पूछा नहीं यार धनिया बिका नहीं है तो काला पड़ गया तो उस, उसने बोला पानी डाला था तुमने हर दो मिनट के बाद एक मिनट के बाद पानी डालना होता है इस पर ये बताना चाहिए था ना पहले तो फिर हम लोग बिना टिकट के दादर से वापस मीरा रोड विदाउट टिकट आए क्योंकि पैसे ही नहीं बचाए था। तो पचास सौ रुपये थे दोनों के पास और सौ रुपये का हमने धनिया खरीद लिया था तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है बाबू मोशाय है बाबू मोशाय टाइप का ही है लेकिन आ, काम उसका थोड़ा अलग है लेकिन उस पर हमने कंसन्ट्रेट नहीं किया बहुत शायरान अंदाज का बंदा है पान खाने वाला बहुत ही मस्त किस्म का इंसान है और उसी मज़े मज़े में मार भी देता है किसी को क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलर है बाबू मुशाह बंधुबाजली बहुत बहुत ही साफ सुथरे दिल का है बहुत ही शायराना अंदाज़ का बंदा है है ना तो आप जनाब करके गन मतलब ख़त्म भी कर देता आदमी को इस तो इस तरह का बंदा है नहीं मैं ही करूँगा फ्लड उनको करने की क्या ज़रूरत है इतनी खूबसूरत हैं वो मुझे ही करना पड़ेगा एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बहुत ही बहुत ही कमाल का रोल है उनका इस इस फिल्म में जब मेरा दोस्त बैठा हुआ है फजलू नाम है उसका तो हम लोग एक मंदिर के आगे आके और बातें कर रहे हैं तो वो थोड़ी गद्दारी कर जाता है मेरे साथ तो मैं उसके आ, साथ में आके चिलम पी रहा हूँ तो चिलम पीते पीते बातें होती हैं तो मैं उसकी तरफ़ देख रहा हूँ इसे सुट्टा मार रहे हैं ऐसे ऐसे वो भी मार रहा है तो बोलता है क्या देख रहा है भाई तो मैं बोलता हूँ नहीं कुछ नहीं बस ऐसे ही नहीं बता ना तो फिर मैं बताता हूँ उसको कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हुए हैं लेकिन जब आँख खुली हो तो देखा साला हम तो शशि कपूर हैं बच्चन तो कोई और है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ और ना मैं इस इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है मुझे खबरें जो होती हैं कुछ होती हैं, उसका बड़ा बनाया जाता है। ना होने की भी खबर नहीं बनती कि कोई कुछ है नहीं और खबर बन जाए है ना? कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है तभी ख़बर बनती है मेरा दोस्त क्या था मेरे मेरा रूम पार्टनर था एक्चुअली वो और हम लोग रूम पार्टनर ही थे और लेकिन बाहर जब भी मिलते थे तो वो मुझसे ऐसे मिलता था जैसे कई सालों के बाद हालांकि सुबह मिले थे लेकिन ऐसे मिलता था जैसे दस साल के बाद मिला मिल रहा है मुझसे तो एक तो वो थी उसकी ख़ास बात वो पकड़ी मैंने एक, और दूसरा ये था जिस जिस तरह वो बोलता था ना वो तुतला के बोलता था मेरा कैरेक्टर वो सेम ऐसे ही था तो जब फिल्म रिलीज़ हुई और उसने देखा कि अरे इसने तो मुझे ही चेप दिया पूरा तो उसने मैसेज किया मुझे आई सॉ लंच बॉक्स थैंक यू सेफ इतना तो कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं बोला उसको गुस्सा आ गया अभी उसके साथ बेचारे के साथ प्रॉब्लम ये हो गई है वो जहाँ भी जाता है और एक्टिंग कर एक्टर है वो जहाँ भी एक्टिंग करता है तो लोग बोलते हैं कि यार ये वाली एक्टिंग मत करिए नवाज ने कर ली लंच बॉक्स में कुछ दूसरा कर तो सिर्फ एक्टिंग ही कर सकते थे इसलिए कुछ दूसरा ऑप्शन कुछ सोचा ही नहीं कि जाए यहाँ से जा कहाँ जाते मतलब दिल्ली जाते तो लोग बोलते कि अच्छा एनएसडी करके गया था ट्रेंड एक्टर हो गया था कुछ भी नहीं करके आया तो शर्म आती थी और गाँव इसलिए नहीं जा सकते थे क्योंकि लगता था कि गाँव वाले ऑलरेडी बोलते थे कि हम तो पहले कह रहे थे दिखने दिखने विखने में तो लगता नहीं तो एक्टर हम तो पहले ही बोलते थे पहले देख ले अपने आप शीशे में देख ले और चला गया था एक्टर बनने तो इस तरह के ख्याल आते थे, थे तो इसलिए डर के मारे जाया नहीं जा रहा था तो मैंने जो भी है यहीं पर छोटे मोटे रोल मिलेंगे एक एक सीन के रोल भी मिलेंगे तो भी करेंगे